यहाँ पे मीरा फातिमा को मैंने नहला दुल्हा के बिठाया है सुलाने के लिए। इनको नींद आ रही तो ये बहुत सारा रो रही हैं। ये देखिए मैंने इनको फ्रॉक पहनाई है, साथ ये ट्राउज़र है और ये रो रही हैं, टीथ भी दिखा रही हैं। ये रो रो के मुझे दिखा रही हैं कि मैं इनको सुला दूँगा इस मोबाइल छोड़ के। इनके दांत भी निकल रहे हैं तो उससे भी चुड़ चुड़ी हैं। The next morning. तो यहाँ पे हम आ गए हैं पासपोर्ट ऑफिस। पहले नादरा वगैरह गए थे तो यहाँ पे देखें कितना रश हो रहा है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। हमारा नंबर बहुत देर में आएगा। देखें मेरे आगे पीछे कितने सारे लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इतना रश हो रहा है यहाँ पे, जबकि हम मॉर्निंग में आए, लेकिन मॉर्निंग में भी जो है इतना रश हो रहा है। मौसम आज बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा है, ज़्यादा धूप नहीं है। यहाँ मीरापुर अलीज़े बैठी हुई हैं मेरे साथ और यहाँ पे हम थक चुके हैं। इंतज़ार करते करते तो देखें पापा और अलीज़े काउंटर के पास खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सरप्राइज़ है। और यहाँ पे देखें मीरा पापा को देख रही है और आप ही को। मीरा को फुल निन्नू आ रही है, फुल निन्नू में है ये। चले अब घर जाते हैं, हम जा रहे हैं घर। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जानवर है, हमारी काओ आ गई है। तो ये आई तो नाइट में थी इसलिए मैंने तब जब ये उतर रही थी तब की वीडियो नहीं बनाई थी। उनका दिन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखें इतना खूबसूरत जानवर है, लीजिए तो इससे डर रही है, बहुत मुश्किल से इसके पास जा रही है लीजिए, लेकिन है बड़ा प्यारा मासूम जानवर है हमारा। जो देखे इस वीडियो को प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। उसके बाद जो है मेरा किचन टाइम हो गया तो मैं किचन में जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू मटर का पुलाव। मैंने ऑयल में ज़ीरा, तेज़पत्ता, नमक, मटर और टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें नमक अब डाला मैंने और आलू डालूँगी इसमें। तो यहाँ मैंने आलू भी डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करके पानी डाल के रख दूँगी गलने के लिए। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। कुछ दिन से मैं ब्लॉग अपलोड कर नहीं रही थी क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है मीरा फातिमा उनकी तबीयत सही नहीं थी, उनको उल्टी मोशन लगे हुए थे, तो इसलिए जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो कुछ दिन का गैप आ गया है तो फिर मैंने अब मैं इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है। देखिए ये बबल्स बनने शुरू हो गए। अब मैं इसको ढक दूँगी। और यहाँ पे जो है ये आलू वगैरह गल चुके थे, मैंने चावल डाल दिया था इसमें। तो यहाँ देखें चावल भी वो पानी भी सारा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया तो मैं दम लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं कलेजी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कलेजी ऑयल लिया है, ऑयल में टमाटर, ज़ीरा और लहसुन अदरक, पिसी मिर्ची, नमक, हल्दी ये सब डाला है मैंने इसमें। और इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। कलेजी ये बीफ की है, मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए थे ताकि ये ईज़िली और जल्दी गल जाए। तो यहाँ तकरीबन ये रेडी ही है, थोड़ा सा बस इसमें पानी है जो टमाटर ने छोड़ा है वो हो जाए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी अरवी की सब्ज़ी बनाई है, इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, पिसी मिर्ची नहीं टमाटर, ज़ीरा, पिसी मिर्ची, नमक ऑयल में डाला था और टमाटर और कलौंजी, हल्दी बस ये डाल के मैंने इसको बना लिया था। ज़्यादा इसमें चीज़ें डाली नहीं थी, बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पे कलेजी तकरीबन गल गई है, लेकिन मैं इसको काट काट के देख रही हूँ स्पून से ही। इसको अच्छी तरह वापस मसाले में मिक्स करेंगे और अब चलते हैं खाना खाने। तो यहाँ पे मैंने कलेजी निकाल ली है, सब्ज़ी भी निकाल ली है और सही से बोलो ना, गिर गई। उसके बाद जो है अलीजे खेल रही है, अलीजे की कज़न है, उनकी बर्थडे है तो उनको विश कर रही थी।
ये जो है रात का टाइम हो गया है, इन दोनों को जो है अब मैं सुलाऊंगी। पहले ये थोड़ा सा खेल रही हैं, तो अभी जिसको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह।